हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू में आपका स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और नॉन टीचिंग वैकेंसी से संबंधित हैं। इस वीडियो में नॉन टीचिंग के 29 पद के बारे में बताने वाला हूं और यह जो वैकेंसी हैं रेगुलर बेसिस यानी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और यह एग्ज़ाम NTA करा रहा है यानी नेशनल टेस्ट एजेंसी के द्वारा आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और नॉन टीचिंग का पद है तो नॉन टीचिंग पद के लिए विभिन्न पद हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस चैनल के द्वारा वेबसाइट बनाया गया है। वेबसाइट का नाम है govtjobsforyou.org। इस वेबसाइट पर जैसे ही आप जाएंगे और उसके बाद लेटेस्ट जॉब्स में जाना है, उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल जानकारी प्राप्त होगी यानी यह नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लिंक आपको मिलेगी, साथ में डिटेल जानकारी पदवार डिटेल जानकारी भी आपको मिल जाएगा। इसलिए इस वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। अब मैं बात करूँ नॉन टीचिंग का विभिन्न पद हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ट्राई करूँगा कि लिंक दे दूँ। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का आपको एक ही बेनिफिट है कि मेरा मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा और डायरेक्ट आप पर्सनली मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप को बदनाम करने के लिए गलत SMS डाले गए थे, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन मोड में रखा हुआ है। इसके अलावा टेलीग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पार्क से भी आप जुड़ सकते हैं। अब मैं बात करूँ इसमें विभिन्न पद हैं तो यहाँ पर सीरियल नंबर, यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट, यहाँ पर पे लेवल, यहाँ पे कैटेगरी वाइज पद दिया गया है, यहाँ पे टोटल पद, यहाँ पर अपर एज लिमिट हैं, जिसमें सुपरिटेंडेंट के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, एक पद हैं, एज लिमिट 30 साल हैं। टेक्नीशियन के लिए 4 पद हैं, एज लिमिट 30 साल हैं। सीनियर टेक्नीशियन के लिए भी 4 पद हैं, एज लिमिट 30 साल हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए 6 पद हैं, एज लिमिट 30 साल हैं और सीनियर असिस्टेंट के लिए 4 पद हैं, एज लिमिट 30 साल हैं। MTS के 10 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है और एज लिमिट जो है 30 साल है। अब हम बात करें एप्लीकेशन शुल्क के बारे में, क्योंकि यह एग्जाम NTA करा रहा है तो कुछ एप्लीकेशन शुल्क लग रहा है, जिसमें जनरल OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं तो OBC कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन शुल्क हैं। EWS, SC, ST, PWD कैटेगरी के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन शुल्क हैं। एप्लीकेशन शुल्क हैं जो ऑनलाइन आपको पे करना है। अब हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि इस पद के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। तो सुपरिटेंडेंट पद के लिए जो क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री विद मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स या इक्विलेंट UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, साथ में जो है 3 ईयर का रेगुलर सर्विस से संबंधित एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री कॉमर्स या MBA फाइनेंस में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो बैचलर डिग्री हैं कॉमर्स या अकाउंटेंसी या फाइनेंस से रिलेटेड होना चाहिए। इसके अलावा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं। टेक्नीशियन पद के लिए क्वालिफिकेशन है की बात करें तो इसमें जो क्वालिफिकेशन दी गई है इसमें है फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फ्रॉम AAICT अप्रूवल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या मेटलर्जी या मटेरियल इंजीनियरिंग या मेटलर्जी इंजीनियरिंग या मटेरियल इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं तो आप अप्लाई जरूर करें। इसके अलावा एडवांस डिप्लोमा कोर्स यानी ADC भी हैं होना चाहिए। इसके अलावा हैं ITI पास इसमें दी गई है, ITI कोर्स गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होनी चाहिए। ग्रुप थर्ड में और भी सेकेंड में और भी क्वालिफिकेशन दी गई है, तो इतने सारे क्वालिफिकेशन हैं और ग्रुप थ्री में भी बहुत सारे AGC नॉर्म्स कम्स का क्वालिफिकेशन दी गई है, तो यह सब डिटेल जानकारी तो आप देख सकते हैं। ग्रुप वन में भी ये विभिन्न क्वालिफिकेशन हैं। अब जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो 12वीं क्लास पास लेवल पर आवेदन आमंत्रित हैं, साथ में टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट हिंदी और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश हैं। डिजाइवर क्वालिफिकेशन में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं। सीनियर असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री मिनिमम 55% अंक जो हैं क्वालिफिकेशन जो हैं UGC रिकॉग्नाइज संस्था से ही होना चाहिए और कम से कम 5 साल का रिलेवेंट फील्ड में
रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस होनी चाहिए, एक्सपीरियंस जो है पे लेवल 2 या इससे एबव का होना चाहिए, या 10 साल का क्लरिकल एक्सपीरियंस है प्राइवेट सेक्टर में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट हिंदी और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश है। MTS के लिए जो 10 पद हैं 10वीं क्लास पास लेवल पर आवेदन आमंत्रित हैं, मात्र 10वीं क्लास पास होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से। डिजाइबर क्वालिफिकेशन में पास इन ITI कोर्स फाउंड्रीमैन या फोर्गर या हट ट्रेजर या मैकेनिस्ट या CNG ऑपरेशन या टर्नर फिल्टर विभिन्न ट्रेड का नाम दिया है इसमें से होना चाहिए, या इंटरमीडिएट 12वीं क्लास पास हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि अदर डिटेल जानकारी जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सैलरी की बात करें तो सैलरी जो है सुपरिटेंडेंट पद के लिए या सरकारी नौकरी है तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रखा जाएगा, इसके उपरांत परमानेंट किया जाएगा, और सरकारी नौकरी के लिए ऐसा ही होता है। सैलरी जो है स्टार्टिंग का बेसिक पे 35,400 रुपये हैं, टेक्नीशियन के लिए जो हैं 19,000 रुपये बेसिक पे हैं, सीनियर टेक्नीशियन के लिए 25,500 बेसिक पे हैं, और जूनियर असिस्टेंट के लिए 19,000 बेसिक पे हैं, सीनियर असिस्टेंट के लिए 25,500 बेसिक पे हैं, और MTS के लिए 18,000 रुपये बेसिक पे हैं, और 5 साल के बाद इन सभी पद के लिए 5 साल के बाद DPC होगी तो आपको पेमेंट बढ़ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो हाई स्कूल जो सर्टिफिकेट है उसी के अनुसार डेट ऑफ बर्थ आपको काउंट करना है। मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम जो है 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो मैं आपको बताया हूँ। इसके बाद क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस से रिलेटेड अदर भी जो डिटेल जानकारी हैं या तो आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके देख सकते हैं, कोई आपको इशू नहीं आएगी। अब मैं बात करता हूँ अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, जो लिंक हैं वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्राई करूँगा देने का। अदरवाइज इस चैनल के द्वारा जो वेबसाइट बनाया गया है जो स्टार्टिंग में मैं बताया था उस वेबसाइट पर आपको यह डिटेल जानकारी मिल जाएगा। एज लिमिट में जो छूट है वो अप्लीकेबल है क्योंकि यह NTA एग्ज़ाम करा रहा है, तो NTA जब एग्ज़ाम कराता है तो जो गवर्नमेंट की रूल्स हैं वही अप्लीकेबल होती है, तो इसलिए एज लिमिट में जो छूट हैं वो अप्लीकेबल हैं। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि सरकारी नौकरी से रिलेटेड यह इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुँचे। हमारे जो भी प्रोफेशनल्स हैं जो इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं आप सभी के पास पहुँचे, और आप नहीं वीडियो देख रहे हैं तो भी आप शेयर करें जिससे कि यह इन्फॉर्मेशन दूसरे प्रोफेशनल्स के पास पहुँचे और वो अप्लाई करें, इस सरकारी नौकरी का बेनिफिट जो है उसका लाभ उठा सकें। अब हम बात करते हैं अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि के बारे में। तो देखिए अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए जो अंतिम तिथि है वो तिथि है 6/9/2023। इससे पहले आपका अप्लीकेशन फॉर्म इसमें जो एड्रेस दी गई है इसे यानी अप्लीकेशन फॉर्म सेंड करने का इसमें डिटेल जानकारी नहीं दिया है, बट आप अप्लीकेशन फॉर्म 6/9/2023 तक ऑनलाइन जरूर फिल करें। या वैकेंसी की बात करें कहाँ पे वैकेंसी आया है तो राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान झारखंड में आवेदन आमंत्रित हैं, और झारखंड रांची में है। तो इसलिए अपडेट और नई वीडियो की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन